ओरेगॉन में डायमंड लीग फाइनल का इंतजार कर रहे हैं, जहां वह 90 मीटर के निशान को तोड़ने की उम्मीद कर रहे होंगे। मुरली श्रीशंकर का प्रदर्शन अधिक सुसंगत रहा, उनकी सभी छलांगें 7.90 मीटर से अधिक थीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग 7.99 मीटर थी, जो पांचवें स्थान पर रहने के लिए पर्याप्त थी। श्रीशंकर के लिए यह एक शानदार प्रदर्शन था, जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अपेक्षाकृत नए हैं। वह अब नीरज चोपड़ा के बाद डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 भारतीय एथलीटों के लिए एक बड़ी सफलता थी। नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया और वे दोनों अब यूजीन में डायमंड लीग फाइनल का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे दोनों पदक की दौड़ में होंगे और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लीव अ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस अबाउट एथलेटिक्स एंड ट्रैक एंड फील्ड। आई होप दिस हेल्प्स।